अगली सुबह जब स्वधा की आंखें खुली तो सबसे पहले रात की कुछ झलकियां उसकी नजरों के सामने आ गई। उसने अपने सर को झटका और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। स्वधा की नई टीचर मृदुल ने आज एक टेस्ट रखा है। अब तक जिस भी बच्चे ने ज्वेलरी के बारे में जितना भी जाना है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट होने वाला है। स्वधा जब रेडी हो रही है तभी केके भी उठ जाता है। केके स्वधा को खुद कॉलेज छोड़ने के लिए जाने वाला है, इसलिए वो भी जल्दी से तैयार हो जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर केके स्वधा को उसके कॉलेज ड्रॉप करके खुद कंपनी की तरफ निकल जाता है। 3 घंटे के टेस्ट के बाद आरती स्वधा से मिलती है। आरती थोड़ी झिझकी हुई है। स्वधा जब उसे गले से लगाती है तो वो स्वधा को बिना एहसास दिलाए ही उसे खुद से दूर कर देती है। आरती दरअसल डरी हुई है। जब पिछली बार स्वधा अचानक से बेहोश हुई थी तब केके का गुस्सा आरती ने देखा था, उसका असर अभी तक आरती पर है। अचानक से स्वधा ने आरती से पूछा, आरती तुम्हें और भी कोई क्लास अटेंड करनी है क्या? आरती ने कहा, नहीं तुम्हें? स्वधा ने कहा, मुझे भी नहीं। फिर कुछ सोचते हुए स्वधा ने आरती से कहा, आरती चलो ना बाहर चलकर कुछ खाते हैं, इस कॉलेज के कैंटीन में जाने का मन नहीं कर रहा। आरती जब स्वधा की बात सुनती है तो वो स्वधा से कहती है, स्वधा तुम मिस्टर केके से पूछ लो, उसके बाद चलते हैं। स्वधा ने आरती की बात सुनी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने आरती से कहा, इसमें पूछना क्या, खाकर वापस आ जाएंगे। आरती वैसे तो बहुत स्ट्रांग लड़की है लेकिन केके के गुस्से से उसे भी बहुत डर लगता है। आरती ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराकर स्वधा से कहा, ठीक है चलो, लेकिन उनका कॉल आए तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना। स्वधा ने कहा, ओके। आरती और स्वधा कॉलेज के बाहर जा ही रहे हैं कि तभी पीछे से यूसुफ उन दोनों को रोकता है। यूसुफ स्वधा से पूछता है, स्वधा जी कहाँ चली सवारी? स्वधा मुस्कुराकर जवाब देती है और कहती है, हम दोनों बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। यूसुफ कहता है, मैं भी चलूं क्या, मुझे भी भूख लगी है। स्वधा कोई जवाब देती कि उससे पहले आरती यूसुफ से कहती है, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। आरती के इस जवाब से यूसुफ को बड़ा अजीब सा लगता है। वो मन में सोचता है, एक तो इतने दिनों बाद गर्लफ्रेंड मिली, वो भी इतनी खड़ूस। यूसुफ अपने ख्यालों को किनारे करके कहता है, बेबी इतना क्या नाराज होना, मैंने बस एक सवाल ही तो पूछा है, तुम दोनों वैसे भी अकेले जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। आरती यूसुफ की तरफ घूर कर देखती है फिर कहती है, हम खुद से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, उसके लिए हमें किसी अमीर जादे की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं और स्वधा काफी दिनों से अकेले बाहर नहीं गए, हम अपनी बातें करेंगे, आप हमारे बीच में बोर हो जाओगे। इतना कहकर आरती ने स्वधा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कॉलेज से बाहर चली गई। यूसुफ उन दोनों को वहीं खड़े होकर देख रहा है, फिर वो बेचारा अपना सिर हिलाता है और अपने ऑफिस में लौट जाता है। इधर स्वधा और आरती गोमती नगर के एक बेहतरीन से रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। उन्होंने खूब सारा खाना ऑर्डर किया है और खूब सारी ड्रिंक्स मंगाई है। स्वधा खाने को इतनी चाव से खाती है कि अगर किसी को भूख ना हो और वो स्वधा को खाते हुए देख ले तो उसे भी खाने का मन करने लगे। कुछ समय पहले आरती और स्वधा अपना बजट देखकर कहीं खाने पीने के लिए जाते थे। आज उन दोनों के पास काफी रुपए हैं और उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब स्वधा और आरती जी भर के खा लेते हैं तब स्वधा आरती से कहती है, आरती मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी जाकर आई। जैसे ही स्वधा ये कहते हुए खड़ी होती है वैसे ही आरती भी खड़ी हो जाती है और स्वधा से कहती है, मैं भी चलूंगी। स्वधा को आरती का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। स्वधा वॉशरूम जाती है और आरती बाहर खड़ी होकर उसका वेट करती है। तभी आरती का मोबाइल रिंग करता है। आरती देखती है कि यूसुफ का कॉल है। आरती कॉल रिसीव करती है और कहती है, हेलो शहजादे। आरती की बात सुनकर यूसुफ थोड़ा दंग रह जाता है। वो मजाक करते हुए कहता है, हेलो मैडम, क्या मैं आरती राजपूत से बात कर सकता हूँ? आरती हंसते हुए कहती है, जी आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। यूसुफ आरती को छेड़ते हुए कहता है, मैं इस वाली आरती को नहीं जानता। दोनों ही थोड़ी देर तक बात करते हैं
फिर आरती यूसुफ से कहती है, यूसुफ अब मैं बाद में बात करूंगी। यूसुफ का मन नहीं है कि आरती अभी कॉल कट करे। यूसुफ कहता है, कहो तो मैं तुम दोनों को पिकअप करने आ सकता हूँ। आरती बहुत प्यार से कहती है, नहीं तुम थक गए होगे, अगर कोई काम नहीं है तो जाओ और घर जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। ये सुनकर तो यूसुफ को सच में यकीन नहीं होता कि वो आरती से ही बात कर रहा है। दरअसल आरती कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात करती है, इसीलिए उसने सोचा कि अब से वो यूसुफ से तमीज से बात करेगी। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और फिर आरती ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट करने के बाद आरती यूसुफ के बारे में सोचने लगी। अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी आरती को लगा कि स्वधा को वॉशरूम में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। आरती ने बाहर से ही स्वधा को आवाज दी, स्वधा अभी कितना टाइम लगेगा? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आरती घबरा गई, उसने दरवाजा नॉक किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आरती को लगा जैसे अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। आखिर स्वधा को हुआ क्या है, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आरती जोर जोर से दरवाजे पर लात मार रही है, खूब तेज तेज आवाजें दे रही है। आरती की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट का मैनेजर दौड़ता हुआ आता है और आकर आरती से पूछता है, मैडम क्या हुआ, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? आरती मैनेजर को देखकर कहती है, मेरी दोस्त अंदर है, वो कोई जवाब नहीं दे रही, शायद बीमार हो गई होगी, ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। आरती की बात सुनकर मैनेजर आरती से कहता है, मैडम आप परेशान ना हो, मेरे पास वॉशरूम की चाबियां हैं, इमरजेंसी के लिए रखी है, मैं जल्दी से लाता हूँ। मैनेजर दौड़ते हुए जाता है और वॉशरूम की चाबी लाकर आरती को देता है। आरती जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और देखती है कि वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। ये देखकर आरती की जान उसकी हलक में अटक जाती है। उसे लगता है कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। आरती की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे केके का गुस्सा याद आ रहा है। उसे लग रहा है जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। इधर अनुराग सर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं, तभी उन्हें एक कॉल आता है। अनुराग कॉल रिसीव करते हैं, दूसरी तरफ उनका असिस्टेंट है जिसने उन्हें कॉल किया है। कॉल रिसीव होते ही असिस्टेंट कहता है, बॉस आप कहाँ हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही अनुराग का चेहरा एकदम से बदल जाता है, उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी हो जाती हैं। अनुराग इस वक्त एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। ये वो अनुराग सर नहीं है जो एक आम आदमी जैसे दिखते थे, इस अनुराग का एटीट्यूड बहुत अलग है। वैसे अनुराग एक दूसरे शहर का रहने वाला है, अनुराग जहाँ से बिलोंग करता है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। अनुराग ने अपनी पहचान छुपाई हुई है, वो एक नॉर्मल टीचर नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। अनुराग ने अपने असिस्टेंट से कहा, उन्हें कहो मैं आज नहीं मिल सकता, मेरी दूसरी मीटिंग फिक्स करो। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप बस जल्दी से नवाबी हाउस पहुंच जाएं, वो आपका वही इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही अनुराग का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे न जाने कितने राज उसने खुद में दफन कर रखे हैं। थोड़ी ही देर में अनुराग होटल नवाबी हाउस पहुंच जाता है। उसे देखते ही एक आदमी दौड़ते हुए अनुराग के पास आता है और उससे कहता है, बॉस वंदर ही हैं, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। अनुराग उस आदमी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस अपने रूम में जाकर बाहर से ही अंदर की तरफ झांकता है। सामने बैठे इंसान को देखकर अनुराग के चेहरे पर एक अलग तरह की स्माइल आ जाती है। वो अंदर जाता है तो सामने हर्षित मेहता बैठा हुआ है। अनुराग हर्षित मेहता से पूछता है, जी बताएं मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? हर्षित मेहता अनुराग को देखते ही खड़ा हो जाता है। वो अनुराग की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अनुराग जी मुझे मालूम है कि आप किसकी तलाश में हैं, आप जिसकी तलाश में हैं मैं भी उसी को। हर्षित मेहता अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाता कि अनुराग कहता है, आप मुझसे मिलना चाहते थे, आप बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है, मैं क्या हूँ कौन हूँ ये मुझ पर छोड़ दे। हर्षित मेहता अनुराग का एटीट्यूड देखता है और फिर एक गहरी सांस भरता है और कहता है, मैं ये भी जानता हूँ कि इस शहर में जो पहचान आपने बनाई है वो झूठी है, कॉलेज के लोग आपको जो समझते हैं आप वो नहीं है, आपकी असली पहचान कुछ और है। हर्षित की ये बात सुनकर अनुराग को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुराग कहता है, तुम्हें और क्या मालूम है मेरे बारे में, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
हर्षित अनुराग की बात के पीछे का मतलब समझ जाता है। हर्षित भी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बिना वजह कहीं नहीं रुकता। वो अनुराग की आंखों में देखता है, मुस्कुराता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। अनुराग हर्षित को जाते हुए देखता है, उसके जाते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो बहुत गुस्से में उसे देख रहा है, जैसे कोई बड़ी बात हो जो अब तक उन दोनों को ही मालूम है। तभी अनुराग के मोबाइल पर आरती का कॉल आता है। आरती का कॉल देखते ही अनुराग कॉल पिक करता है और उससे कहता है, हाँ आरती बताओ, आपने मुझे कॉल क्यों किया? आरती बहुत परेशान और घबराई हुई है। आरती कहती है, सर आपकी स्पर्धा से बात हुई क्या आज? मैंने चेक किया, उसके फोन पर लास्ट कॉल आपकी ही थी। अनुराग स्पर्धा का नाम सुनते ही काफी सीरियस हो जाता है। अनुराग कहता है, हाँ मैंने उससे करीब 4:30 बजे कॉल किया था, उसने कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे कुछ काम था कॉलेज से रिलेटेड। आरती ने ये सुना तो उसने कहा, उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया? अनुराग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनुराग ने परेशान होकर आरती से पूछा, हुआ क्या है ये बताओ। आरती जानती है कि अभी उसे स्पर्धा को ढूंढने के लिए अच्छी टीम की जरूरत है। उसे अनुराग सर पर भरोसा है, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसने वो सब अनुराग सर को बता दिया। आरती की बात सुनकर अनुराग सर के चेहरे पर भी चिंता के भाव है। इधर एक रूम में स्पर्धा बेहोश पड़ी हुई है। धीरे धीरे उसे होश आता है, वो आंखें खोलकर जगह को पहचानने की कोशिश कर रही है। स्पर्धा को समझ आ चुका है कि वो फिर से किडनैप हुई है। स्पर्धा को खुद पर गुस्सा आ रहा है, वो हर बार इस तरह की मुसीबत में क्यों फंस जाती है? अब फिर से कोई उसे टॉर्चर करेगा और वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होगी। स्पर्धा की आंखों के सामने ये सारे सीन घूम गए। स्पर्धा ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा तो उसे शेफाली नजर आई। शेफाली को देखते ही स्पर्धा का दिल नफरत से भर गया। उसे लगा कि कोई इतना भी कैसे गिर सकता है। स्पर्धा ने शेफाली से कहा, तुम फिर से मुझे किडनैप कर लाई, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगता? मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं लगती। मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं रखती, अब तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? स्पर्धा की बात सुनते ही शेफाली हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहन, तुम अभी अभी होश में आई हो, इतनी बातें मत करो। तुम नहीं जानती कि आज का दिन मेरे लिए कितना खास है। आज मैं वो करूंगी जो मैंने आज से पहले नहीं किया। मुझे तुम्हें बहुत पहले मार डालना चाहिए था, पर तुम हर बार बच जाती थी। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शेफाली की बात सुनकर स्पर्धा उसे ऐसे देखती है जैसे शेफाली दिमागी रूप से बीमार हो। स्पर्धा शेफाली से कहती है, तुमको मुझसे दिक्कत क्या है? तुमने कहा कि मैं उस घर की बेटी नहीं हूँ, मैंने घर छोड़ दिया। तुमने कहा कि ईशान मेरा नहीं तुम्हारा है, मैंने उसे छोड़ दिया। तुमने कॉलेज को इस तरह से अपना बनाया है कि आज भी वहाँ के कई लोग मुझे नफरत से ही देखते हैं। तुमने जो भी चाहा तुम्हें सब मिला, तब भी तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या शेफाली इस बार अपने मकसद में जीत हासिल करेगी? स्पर्धा शेफाली के जाल से खुद को कैसे बाहर निकालेगी? अनुराग सर कौन है? वो किस मकसद से स्पर्धा के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? हर्षित मेहता अनुराग सर के बारे में क्या जानता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जहर है या प्यार है की कहानी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।